नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आप सभी लोग को जैसे पता है, जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के कुछ बातें कवर करूँगा फेज़ वन से संबंधित। और कई सारे लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल रहे हैं कि सर ESI का, FM का, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर का, फेज़ टू का स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही फेज़ वन कंप्लीट होता है 6 मार्च को, उस दिन हम एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद में हम लोग फेज़ टू का जो है, जो भी ESI का है, FM का है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का है दोस्तों, इंग्लिश का, तीनों पेपर की डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। 3 वीडियोज डिटेल, जो स्ट्रेटजी मेरे क्या सोर्सेज थे, मैंने ESI में करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा, रिपोर्ट्स इंडेक्स कैसे पढ़ा दोस्तों, उसके अलावा जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, पुरानी स्कीम्स है, मेरी स्कीम्स की क्या अप्रोच थी, कौन से मंत्रालय के मैंने पढ़ा और किसी स्कीम्स को कैसे कवर करना है, कुल मिला के ESI के लिए जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी सोर्सेज है, मैं सब के सब शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। और उसके अलावा FM में भी मैं दोस्तों अपना जो फेज टू का स्कोर कार्ड था वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरे ESI में 65.75 है, लगभग 66 मार्क्स आए थे, जो कि एक अच्छा स्कोर था 2019 में। लोगों के अराउंड 65 से 70 मार्क्स आए थे ESI में। और उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं FM पे आता हूँ, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो कि मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं आर बैकग्रेड बी फेज के लिए दोस्तों, इंजीनियर्स होते हैं, तो इंजीनियर्स के लिए फाइनेंस और मैनेजमेंट एक नया एरिया होता है, थोड़ा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा स्पेशलिस्ट नॉलेज नहीं चाहिए होता है। ये सिर्फ एक जनरल, आपकी जर्नलिस्ट अप्रोच जो होती है वो काम करती है यहाँ पे। कुछ टॉपिक्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं, बट उनमें भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना आपकी, वो आपकी एग्ज़ाम में काम कर सकती है दोस्तों। तो जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रेटजी है और मेरी क्या अप्रोच रही थी, कौन से टॉपिक को मैंने कैसे कवर किया था, टॉपिक वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटजी, और किसी टॉपिक को कैसे कवर करना है आपको, मेरा पिछला 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है जो फेज़ टू का, फेज़ वन का, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो बेसिकली जो क्या 3 से 4 बेसिस पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस टाइप का पेपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस लाइंस पे, किस टॉपिक को कैसे, जो भी मेरा जो फेज़ टू के बारे में जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में मेरे 82.75 मार्क्स आए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसेंट स्कोर था दोस्तों इसके अंदर, फेज़ टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर में दोस्तों। इस बार पेपर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखनी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं 7 मार्च को डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले फेज़ वन कम्प्लीट हो जाए, 6 मार्च को फेज़ वन कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद में हम आराम से फ्री होके, टेंशन फ्री होके 7 मार्च को ESI, जो अगले 20 दिन में दोस्तों फेज़ टू के लिए हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हमारे क्या सोर्सेज रहने चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो सके, हम सिलेक्शन ले सके दोस्तों, वो सब चीज़ें मैं फेज़ टू के लिए 7 मार्च को डिस्कस करूँगा। तो जो भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल रहे हैं कि सर आप स्ट्रेटजी शेयर कीजिए फेज़ टू की, ESI, FM की, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लोग हैं थोड़ा और वेट कर लीजिए, पहले आराम से अच्छे से तैयारी करके फेज़ वन दे लीजिए, क्योंकि दोस्तों फेज़ टू देने के लिए फेज़ वन क्लियर करना ज़रूरी है। और फेज़ वन के अंदर बहुत डाइवर्स कॉम्पिटिशन रहता है, फेज़ टू और फेज़ वन में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है, यानी कि फेज़ वन के लिए आपकी अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और फेज़ टू के लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोनों एग्ज़ाम्स अलग अलग होती है दोस्तों, अलग अलग जो पैटर्न है, अलग अलग पेपर है, अलग अलग एरियाज आपको तैयार करने रहते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, फिलहाल आप फेज़ वन पे फोकस कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए फेज़ टू का डिटेल स्ट्रेटजी। इनफैक्ट मैं एस्पायरेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों फेज़ टू ही नहीं, फेज़ टू के बाद में सब चीज़ें, जो भी रिजल्ट और उसके बाद में जो इंटरव्यू रहेगा, सब स्टेज वाइज सारी की सारी दोस्तों मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बिकॉज मैं दोस्तों 2019 में सेलेक्ट हुआ, तो मेरा काफ़ी रिसेंट एक्सपीरियंस है, तो चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो मैं आपका, जब तक आप RBI का पार्ट नहीं बन जाते, जब तक मैं आपके लिए दोस्तों गाइडेंस और हेल्प करता रहूँगा। आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कुछ क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका वेलकम है, फीडबैक भी दे सकते हैं दोस्तों, कुछ सुधार करने हैं उसके बारे में भी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से, जो व्यूवर्स हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा चैनल दोस्तों थोड़ा नया है और मैं वीडियोस में लाइव नहीं आ पाता दोस्तों, तो मेरे जो सब्सक्राइबर 1000 नहीं हुए हैं, अगर मेरे
आप लोग देखने के बाद अगर साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही एडवांटेज है। जो मैं अगर लाइव आ पाऊँगा तो दोस्तों फेस टू के लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि जो PIB है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो सोर्स है, उसको मैं कवर करने के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के पेपर के लिए अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना से 70+, अगर आपको 70+ स्कोर करना, इनफैक्ट 80 भी आ सकता है अगर कोई बहुत ही अच्छा मेहनती बंदा है तो, अगर आपको 70 से 80 के बीच में अगर स्कोर लाना है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पेपर में, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को आप सेलेक्टिवली, इंपॉर्टेंट चीज़ सेलेक्टिवली एज पर सिलेबस रेफर करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा ये मानना है जो ESI का पेपर है एक अनसर्टेनिटी के साथ आता है, मतलब कुछ जो वेटेज है, कुछ जो पोर्शन है पेपर का से 10 से 20 नंबर का, एक अलग ही, मतलब पता नहीं ऐसा लगता है एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आया। तो जो अनसर्टेनिटी है जो ESI में ओब्वियसली सबसे ज़्यादा, अगर इस एग्जाम में फेज टू में कोई अनसर्टेन एरिया है तो वह है ESI। तो उसी में अगर आपको अनसर्टेनिटी को टैकल करना है तो बेस्ट सोर्स है दोस्तों PIB। जो अनसर्टेनिटी है उसको अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए आपको बेस्ट सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है 1000 क्रॉस हो जाते हैं ताकि मैं लाइव आ सकूं, तो मैं PIB की जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है दोस्तों पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के, वो सब डिटेल में कवर करूंगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों उस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों हम लोग अब आते हैं फेज़ वन के ऊपर। फिलहाल फेज़ वन है 6 मार्च को, तो फेज़ वन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, जो GK के लिए दोस्तों मैं स्पेशली आपको बेसिकली एडवाइस करूँगा, GK के लिए मैं आपके टिप्स शेयर करूँगा दोस्तों। मैंने GK के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है जिसमें आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, अराउंड 15 से 16 वीक, 10 फरवरी का वीडियो है वो, आपने जाके नहीं देखा तो देख लीजिए डिटेल स्ट्रेटजी में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स टॉपिक्स जो रहेंगे जनरल अवेयरनेस में, दोस्तों IBPS पेपर सेट रहे, अभी IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम था 28 फरवरी को, तो उसमें देखा गया था जो करंट अफेयर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा वेटेज देखा गया था, लगभग दोस्तों 30% ऑफ द पेपर, यानी कि अगर RBI ग्रेड बी का 80 नंबर का पेपर आता GK का जनरल अवेयरनेस का, तो कहीं ना कहीं 20 से 25 सवाल आप करंट अफेयर्स फाइनेंस एंड बैंकिंग से आप एक्सपेक्ट कीजिए दोस्तों, इतना तो आएगा। जो कौन से बैंक ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ एग्रीमेंट साइन किए किसी एजेंसी के साथ में, किसी एंटिटी के साथ में कुछ ऐप लॉन्च किया दोस्तों, कहीं पे ब्रांच खोला, और जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं दोस्तों, जो मर्जर हुआ था दोस्तों 2019 में जो मर्जर हुआ था ना 2019-20 में, वो आप ध्यान रखिए, मर्जर से सवाल पूछे हैं दोस्तों। अभी जो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को श्रिंक किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, साथ में जो हेडक्वार्टर से बैंक्स के वो भी पढ़ के जाइए। और दोस्तों एक फेवरेट सवाल होता है कि जो भारत के अंदर जो फॉरेन बैंक्स है, तो फॉरेन बैंक्स का नाम दे के उसका कंट्री पूछा जाता है कि ये जो बैंक है कौन से देश से संबंधित है, तो आप जो लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स आप RBI की साइट से देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आ जाता है, इस टॉपिक को तैयार करके जाइए। बहुत बार सवाल देखा गया पिछले 2-3 सालों में फॉरेन बैंक्स की दोस्तों, कौन से देश का बैंक है दोस्तों। साथ में अगर आप लोग हमारे जो भारतीय जो इंडियन बैंक्स है उनके हेडक्वार्टर्स और उनके जो मुख्य है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CMD वो आप पढ़ो दोस्तों, CEO और बैंकिंग हेडक्वार्टर से लगभग 2 सवाल देख लेते हैं कभी कभी पेपर में। मैं अब दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक GK यानी कि जो 80 नंबर में से जो स्टैटिक GK आएगा उसके लिए कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए 2 से 3 दिन बच रहे हैं, तो 2 से 3 दिन का आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जो टॉपिक है दोस्तों GK के जो स्टैटिक टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ जो मार्क्स अराउंड दोस्तों 100 से 110-115 के आसपास जाती है, तो आपका जो GK का स्कोर है ना आप कैसे बूस्ट करें, अब एंड मोमेंट पे GK का स्कोर कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो स्टैटिक्स टॉपिक्स हैं जनरल GK में दोस्तों, वो आपको मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, उनसे सवाल एक्सपेक्ट किए जाते हैं, हर बार सवाल आते ही आते हैं, उनसे बाहर यूजुअली IBPS नहीं जाता है। SSC और IBPS में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, SSC एक बहुत ही बाबादम टाइप सवाल पूछता है GK में, और IBPS एक बहुत ही डायनेमिक बॉडी है, डायनेमिक जोन का अप्रोच रहता है, पर्टिकुलर भी अच्छा भी रहता है, लेकिन एक कंटेंट बहुत सारा हो जाता है, तो दोस्तों कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, अपने अपने फ़ायदे और नुकसान है डायनेमिक सवाल पूछने का दोस्तों। दोस्तों अगर हम स्टैटिक टॉपिक्स जो आपको तैयार करने हो अगर बात करते हैं,
पहला टॉपिक है दोस्तों नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स का वीडियो मेरे पर्टिकुलर चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं टॉपिक वाइज वीडियो। दूसरा दोस्तों टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोस्तों टाइगर रिजर्व का मैंने वीडियो डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में। दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है बहुत ही फेमस है, जहाँ से दो सवाल हर बार पिछले 2 से 3 साल में पूछे गए हैं, यानी ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। दोस्तों जो हमारे जो अलग अलग देश हैं दोस्तों, उनकी कैपिटल और करेंसी। दोस्तों अफ्रीका की कैपिटल और करेंसी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप 2-3 बार रिवाइज कर लो, 2 सवाल यहाँ से आएंगे दोस्तों। मोस्टली पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड देखा गया। दूसरा एशिया का भी मैंने डाला, कुल मिला के सभी देशों की कैपिटल और करेंसी, जो टॉप 100 देश हैं उनके देख के जाइए। 2 से 3 सवाल कभी कभी कैपिटल देख के पूछता है कि ये कैपिटल कौन से देश की है, कभी कभी करेंसी देख के पूछता है कौन से देश की, यानी कैपिटल और करेंसी को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। दोस्तों हमने अब तक नेशनल पार्क्स का देखा, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में टाइगर रिजर्व, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके बाद में अभी हमने देखा कैपिटल और करेंसी। दोस्तों अगला टॉपिक जो है दोस्तों, हमारे जो इंडियन स्टेट्स के गवर्नर है, सीएम है या फिर कैपिटल है, वो भी आप एक बार देख के जाइए, जो स्पेशली जो न्यूज़ में रहता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव, जैसे कालिया स्कीम उड़ीसा की है दोस्तों, जो भी रिसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ पोर्टल वोर्टल लॉन्च हुआ है, तो वो भी आप तैयार करके जाइए। दोस्तों अगर हम लोग आगे चलते हैं तो जो हमारे देश में दोस्तों जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स है, जैसे दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, बाराबाती स्टेडियम उड़ीसा में है, और उसके बाद में दोस्तों ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, जैसे कालिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है, और दोस्तों ये जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जिसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था दोस्तों, और उसके बाद में अभी आपको पता है सरदार पटेल वल्लभ भाई स्टेडियम अहमदाबाद मोटेरा में था, उसका नाम बदल के अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के नाम पे किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो आप तैयार करके जाइए, क्योंकि वहाँ से सवाल देखा जाता है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, हमारे देश में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो आप पढ़ के जाइए। दोस्तों जैसे गुरु रामदास जी अभी एयरपोर्ट पूछा गया था रिसेंट 2-3 एग्जाम्स में IBPS में, दोस्तों जो अमृतसर पंजाब में है। इसके अलावा राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में दोस्तों इंदौर में। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं आप पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल देखे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, IBPS का, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक GK में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डैम्स एंड रिवर्स। दोस्तों डैम्स एंड रिवर्स में से यानी कि 99% चांस सवाल देखा जाने का। तो आप जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं और रिवर्स कौन सी नदी के ऊपर है या फिर कौन से राज्य में स्थित है, दोनों ही बातें, दोनों ही चीज़ें आप देख के जाइए। दोस्तों हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी के ऊपर है, बहुत बार सवाल आ चुका, ये एक फेवरेट सवाल हो चुका है एग्जामिनर का। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो भी डैम्स हमारे देश में वो आप सब देख के जाइए। दोस्तों जो बरसात होता है उस टाइम जो थोड़ा उनमें पानी आता है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं डैम्स, तो उस आप पर्टिकुलर न्यूज़ से देख सकते हैं दोस्तों आप। लेकिन ये जो टॉपिक है आप इसको तैयार करके जाइए, अगर अब तक आपने स्टैटिक टॉपिक्स को तैयार नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, 10 नंबर है और 10 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है जीके में। दोस्तों आप 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हो जाते हो, आउट हो जाते हो फेज 1 में, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही कॉम्पिटिशन का जमाना है, आपको एक एक नंबर के ऊपर फोकस करना है, हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अलावा जो सिटीज है दोस्तों, जो भी नदियों किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो टॉपिक आप करके जाइए, क्योंकि बहुत बार सवाल आता है इधर से। जैसे हैदराबाद कौन सी नदी किनारे बसा है, मूसी नदी दोस्तों, उज्जैन सिप्रा नदी। तो जो इम्पोर्टेंट जैसे दोस्तों कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, तो मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज है, जो रिवर के किनारे बसी हुई है, नदियों के किनारे बसे शहर, वो आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के पूरे पूरे चांस रहता है। IBPS का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। उसके अलावा हम लोग अगर और आते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टैटिक GK टॉपिक्स में, तो जो फेस्टिवल और फेयर है दोस्तों, एक सवाल देखने को मिलता है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स हैं वो आप तैयार करके जाओ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स थोड़े अजीब से होते हैं और थोड़े एक यूजुअल नहीं होते दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो बाकी जनता है उनके लिए थोड़ा सा एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स के फेस्टिवल है वो आप प्रिपरेशन करके जाइए, वहाँ से सवाल देखने को मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों हमारे जो अलग अलग जो हमारे जो राज्यों में डांस डांस चलते हैं वो आप देख के जाइए दोस्तों, जो हमारे क्लासिकल डांसेज हैं वो आप देखो, साथ में जो फोक डांसेज है गरबा जैसे गुजरात का है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डांसेज है वो सब आप देख के जाइए, क्योंकि वहाँ पे डांस से भी एक दो सवाल देख लिया जाता है दोस्तों। स्टैटिक टॉपिक में ये भी एक फेवरेट टॉपिक में से माना जाता है। दोस्तों मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया है, जैसे मेरे को टॉपिक याद आ पा रहा है उस हिसाब से। और अगर आप जो फुल फॉर्म्स है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की, जो फुल फॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर की, वो भी आप याद करके जाइए, क्योंकि फुल फॉर्म्स देखी जाती है लगभग 3 से 4 देखी जाती है। जैसे OVD का फुल फॉर्म ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आया था 2017 में दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट अभी करंट अफेयर्स में चलती रहती है दोस्तों, तो वो सब चीज़ आप देख के जाइए, क्योंकि फुल फॉर्म्स आती ही आती है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से। और जो हमारा यूनियन बजट है, यूनियन बजट को मैंने डिटेल्ड में कवर किया, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, दोनों ही वीडियो जाके देख लो। यूनियन बजट से कम 3 से 4 सवाल देखे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया। इनफैक्ट एक तो मेरा ऐसा वीडियो है यूनियन बजट का जो किसी भी यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं किया होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो पिछले 3 से 4 सालों का जो बेसिकली मेरा अप्रोच रही है, वो अप्रोच मैंने उस कहीं ना कहीं यूनियन बजट का एक वीडियो शेयर किया दोस्तों, उसमें शो किया। बेसिकली वो डाटा बेस्ड वीडियो है जो कि फेज टू के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है ESI पेपर में। दोस्तों अगर आप नए हो तो आप मेरी वीडियो पे टॉपिक वाइज देख सकते हैं चैनल पे। मैंने दिसंबर और जनवरी के और फरवरी 3 महीनों में मेरा चैनल चला है, मैंने जो करंट इवेंट्स थी, इनफैक्ट दिसंबर और जनवरी मैंने डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर किए थे। अगर आप वो वीडियो भी जाके देख लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। हालांकि मैंने फुल फ्लेज तरीके से चीज़ें कवर नहीं की थी, बिकॉज मेरे जो चैनल नया था और मेरा सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इतने नहीं है इसीलिए, बट दोस्तों मेरा जैसे एक डिसेंट लेवल पे चीज़ें पहुंचती हैं, बिकॉज मेरा जो हार्डवर्क है, जो मैं इनपुट जो पुट करता हूँ वो आउटपुट के रेशियो में इतना डिजायर्ड जो मुझे मतलब दोस्तों आता नहीं रेस्पॉन्स, तो इसीलिए मैं थोड़ा डीमोटिवेट फील करता हूँ। हालांकि जैसे मेरा एक प्रॉपर इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आने लग जाए, आउटपुट मेरा व्यूअर्स आएंगे, मेरे ऑडियंस हो जाएगी, तो मैं उस हिसाब से मेरा जो एफर्ट्स उनको मैं स्टेप अप कर दूंगा दोस्तों। लाइव आऊँगा मैं आपके लिए, जो क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे जो भी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो भी लर्निंग्स है वो सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगा दोस्तों। लाइव सेशंस में भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैंने मेरे बेस्ट चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो मिस्टेक से तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप स्पेसिफिक क्वेरी डाल सकते हैं, इफ पॉसिबल मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ सकता हूँ दोस्तों। लेकिन फेज़ टू से संबंधित वीडियो है, मैं फेज़ वन एग्जाम के बाद में 7 मार्च को ही ला पाऊँगा। फेज़ वन से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी भाई या बहन वीडियो को देख रहा है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आपके लाइव सेशन से जो भी इम्पोर्टेंट फेज़ टू के लिए है, फेज़ वन के लिए है दोस्तों, वो सब चीज़ें आपके लिए अरेंज की जा सके। दोस्तों अगर आप नए हो अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और साथ में आप मेरे चैनल को टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों अराउंड पिछले 3 महीनों में मेरे 160-170 वीडियोज़ हो गए, लगभग 160-170 वीडियोज़, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया मैंने चैनल को बनाने में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली जो वीडियोज़ हैं आप उनका दोस्तों एफर्ट आपके जो है फ़ायदा ले, आप डेफिनेटली अपना जो मार्क्स स्कोर करने में, आपकी जो एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को जाके यूज करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पिछले 3 महीनों में मैंने लगभग दोस्तों 160-170 वीडियोज़ डाले हैं, तो डेफिनेटली मैंने आप सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हीं के लिए मैंने ये सब मेहनत की है दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरे वीडियोज़ का दोस्तों आनंद ले देखें, और आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों, आपका जो माता पिता का सपना है वो पूरा करें दोस्तों। मैं इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।